72 साल में मिली, उससे पहले गुलामी में थे। नरेंद्र मोदी गुलाम देश के मुख्यमंत्री रहे 15 साल। उसके बाद ये हमारी जो कंगना नचनिया है। सर, लोगों से राय मशवरा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिवर संसदीय क्षेत्र का क्या माहौल है, तो भाई साहब एक और आए हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पूर्व में यहाँ पर सांसद जो रामदेवी रही 15 साल, वो कितना काम करके यहाँ से गई, और फिलहाल क्या आपको लग रहा है कि बदलाव होनी चाहिए या फिर उसी के पार्टी जो इंडिया और एनडीए जो दो गठबंधन है, तो किसके पक्ष में यहाँ पर हवा चल रही है शिवर संसदीय क्षेत्र के अंदर? पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज आलम है, और रहा सवाल यहाँ के पूर्व सांसद का, तो उसका तो नाम भी लोगों को याद नहीं है। और सकल की जहाँ तक बात है, वो तो हमारे पूर्वज उनको देखे हुए थे, पिछले पंद्रह को छोड़ के जब बड़े हुए तब से उनका सकल ढाका क्षेत्र में, शिवहर क्षेत्र में तो दिखा नहीं, तो इसलिए अब ये जो बच्चे हैं इनको तो मालूम भी नहीं होगा। रमा देवी नाम ही खाली सुनेंगे, वो एक इतिहास हो चुका है, उनको कोई जानता नहीं है। 3 बार लगातार जीत चुकी है। अरे वो ठीक है, वो 3 बार जीत चुकी है, मगर उनको कोई जानता भी नहीं, वो बस हवा में ही है। वो जात पात के नाम पे जीतती आई है, और जब जब चुनाव हुआ तभी वो नजर आई है, उसके बाद में कभी नजर आई नहीं। अच्छा, भाजपा का मतलब ढिंढोरा पीटती रहती है हर जगह, स्टेज से लेकर मतलब कहीं भी जाते मोदी जी कि हमने मतलब 10 सालों में बहुत विकास किया, जैसे खास तौर से बोलते हैं कि रोड जो है हमने मतलब बहुत अच्छे से बनाया, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमने रोड का जो काम है वो सब पूरा किया है, और जो पुल वगैरह मतलब सड़क मतलब काम बहुत अच्छे से मैंने किया, विकास मतलब गंगा बहा दिया विकास का, तो आपके क्षेत्र में विकास का गंगा बह रहा? सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ गंगा बहती ही नहीं है, अब गंगा बहती नहीं तो विकास आएगा कैसे? ये सोचने वाली बात है कि इधर गंगा नदी है ही नहीं, तो विकास आएगा कहाँ से? तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से एक डिमांड है कि गंगा नदी को मोड़ के लाए यहाँ, क्या पता उसके साथ कहीं विकास भी बह के आ जाए। सही बात, क्योंकि भाजपा जो चुनाव लड़ती है हर बार, वो ये चुनाव मतलब जाती है चुनाव लड़ने के लिए हर 5 साल पे या किसी भी लोकल चुनाव में, कि हमने विकास किया देश को, मतलब कोई नहीं जानता था भारत को 2014 से पहले, उनका यही कहना है, और हमने मतलब देश का डंका पूरे विश्व में पिटवा दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2014 से पहले मतलब देश को कोई जानता नहीं था। एक और जो एक हीरोइन है कंगना रनौत, आपने नाम सुना हुआ कहीं, वो भी चुनाव लड़ रही है, उसने खुल के कहा कि मोदी 2014 के बाद देश को आजादी मिली, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब 2014 से पहले देश को आजादी नहीं मिली थी। इसको हम वैसे ही देखते हैं जैसे मोदी जी का भाषण, जिसको सिर्फ बस कभी प्रेशर हाई हो जाए, कभी कोई टेंशन हो, तो दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए जैसे कॉमेडी देखते हैं ना, बस उतना ही, उसके सिवा कुछ नहीं। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि 2014 में मतलब देश आजाद हुआ, लेकिन फिर भी 72वां साल का जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाते थे, इसको आप कैसे देखते हैं? उसको 72 साल की जहां बात है, और आजादी तो 14 में मिली, उससे पहले गुलामी में थे। नरेंद्र मोदी गुलाम देश के मुख्यमंत्री रहे 15 साल, उसके बाद ये हमारी जो कंगना नचनिया है लगाती है, वो भी गुलाम देश में अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज उठा के लाए थे किसी गांव से उसको, और उसको नचाया, जब 14 में अंग्रेज चले गए तो वो आजाद हो गए। अच्छा, अभी जो 2024 का चुनाव हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मोदी जी ने कहा कि हम कभी भी किसी भी चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं करते, कल पर मतलब अभी नामांकन अपना दाखिल किया बनारस से, तो उन्होंने कहा, लेकिन अगर पूर्व में बयान उनको देखते हैं जैसे कि मंगलसूत्र का बात कहे, बहुत बच्चे पैदा करते हैं, मतलब बहुत सारा कटाक्ष करते रहते मुसलमान, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे हम यही कहना चाहेंगे, जो जो अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दे सका, जो अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दे सका, वो दूसरों के मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहा है। ठीक, जो अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दे सका, नहीं पहना सका, छोड़ के भाग आया, वो दूसरे के मंगलसूत्र का डर दिखा रहे। जिसका खुद का कोई परिवार नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बताते, अपने परिवार को छोड़ के भागने वाला पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बताते। इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी के भाषण को आपने सुना है कि नामांकन जब बनारस से उन्होंने किया,
सबसे पहली बात तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है ही नहीं, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है ही नहीं। हर जगह मोदी का पोस्टर लगना चाहिए, बस उनकी राजनीति इतनी है। और उनके अपने दोस्तों जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट उनका चल रहा है, अपना और अपने दोस्तों का विकास करना है और उसको पूरे देश पे थोपना है कि हमने देश का विकास किया। अभी बहुत सारा मुद्दा चल रहा है जैसे बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दा जो है बहुत चरम सीमा पर इंडिया भारत में अपने हैं। ये कहने के चुनाव के समय जो छूट जाता है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होता है, हिंदू मुसलमान ये वो हो जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस पे लोग जो भी नेता बड़े बड़े नेता है उसको इस मुद्दे पर चुनाव लड़नी चाहिए कि हाँ बेरोजगारी है महंगाई है? सबसे पहली बात तो जनता को इसकी फिक्र नहीं है, जनता कोई हिंदू मुसलमान के मुद्दे में मजा आता है, उनको लगता है ये हमारा नेता है ये उसका नेता है। सबसे बड़ी गलती जनता की है, जिस दिन जनता जाग जाएगी ये